डायबिटीज से अपने पिता उमाकांत को खोने से आहत बेटे ब्रजेंद्र श्रीवास्तव अब लोगों को डायबिटीज की बीमारी से बचाने की जंग छेड़ रखी है। वो लगातार इस मुहिम को आगे बढ़ाते हुए कदम ताल बढ़ाए हुए हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को उमाकांत मेमोरियल मेडिकल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट के डायबिटीज जागरूकता शिविर में लोगों को डायबिटीज के प्रति जागरूक किया, साथ ही उन्हें डायबिटीज से बचाव उपचार तथा उससे होने वाली जटिलताओं से भी रूबरू कराया। यही नहीं, डायबिटीज की जटिलताओं से बचने के लिए A2H का एक नया सूत्र भी दिया। इन सूत्रों को यदि अमल में लाया जाए तो डायबिटीज से काफी हद तक बचा जा सकता है। खैराबाद के BCM अस्पताल सभागार में शिविर का शुभारंभ अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी डॉक्टर राजीव दीक्षित ने किया। डायबिटीज के प्रति लोगों को जागरूक करते हुए उन्होंने कहा कि इससे लोगों को जागरूक होने की जरूरत है, क्योंकि यह बीमारी होने पर मनुष्य के शरीर में अनेकों बीमारियां पनपने लगती हैं। यही नहीं, शरीर को भी खोखला कर देती हैं। कार्यक्रम था, क्या था पूरा इसका उद्देश्य? ये उमाकांत मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट है, उसके डॉक्टर पंकज जैन श्रीवास्तव जी हैं। वो एक डायबिटीज और कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के संबंध में एक जागरूकता शिविर का आयोजन हमने किया था, तो उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। मैं आया और निश्चित रूप से मुझे लगा कि इस प्रकार का जो शिविर है ये समाज के लिए बड़ा उपादेय है, क्योंकि इस समय जो हम खान पान की अनियमित जीवन शैली है, जो हमारा आचार विचार व्यवहार गड़बड़ाया हुआ, उसकी वजह से बीमारियां जो है वो अपना व्यापक प्रसार प्रसार फैला रही हैं मानव समाज के। तो इस प्रकार के शिविर से जहां एक और जागरूक करके थोड़ा सा नियंत्रित किए जाने में मदद मिलेगी, वहीं जो इसका एक न्यूनतम उपचार करके आप इस संकट से मुक्ति पा सकते हैं और वास्तविक दिशा में जाकर के उपचार कर सकते हैं, सतर्क हो सकते हैं, उस दिशा में भी एक विशेषज्ञों का समूह इन्हें बताएगा, तो निश्चित रूप से सीतापुर की जनता इससे लाभान्वित होगी। और ये बहुत महत्वपूर्ण प्रयास है कि वो अपनी जड़ों से जुड़े हुए हैं और इस प्रकार का काम यहाँ कर रहे हैं, तो हम सबका ये पुनीत धर्म है कि उस उनके काम में हम जो भी सहभागिता कर सकें, जो भी योगदान दे सकें वह करें। उसी नाते वही धर्म समझते हुए मैं आज उपस्थित हुआ था, और उपस्थित होकर मुझे लगा कि निश्चित रूप से ये काम इनका बड़ा सार्थक है, समाज के लिए बड़ा उपादेय है, और निश्चित रूप से इसके फायदे सबको मिलेंगे। सामाजिक कार्य है, सबको जुटना ही चाहिए इनके साथ। थैंक यू सर। शिविर में विशिष्ट अतिथि पूर्व MLC राकेश सिंह ने डायबिटीज की जटिलताओं से परिचित कराते हुए इसे सावधान रहने की सलाह दी। आप भी सुनिए वो क्या बोले। कैंप लगा है, क्या इसमें कहेंगे इस पे? देखिए, हमारे जनपद के लिए सबसे बड़ी उपलब्धि है कि हमारे डॉक्टर साहब ब्रजेंद्र जी एक तो हमारे जनपद के हमारे भाई और हमारे परिवार के, जिन्होंने अपनी लाइन में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल की, और हमारे सीतापुर ही नहीं उत्तर प्रदेश के साथ साथ में चेन्नई अन्य प्रदेशों में भी आप जिस तरह से इस कार्यक्रम को कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने विस्तृत रूप से A से लेकर के F तक आपको विस्तृत रूप से जानकारी दी, ये हम लोगों के लिए बड़े सौभाग्य की कि हमारे जनपद के हमारे भाई, हमारे ऐसे डॉक्टर जो हमारे ऐसे परिवार से निकले हुए हमारे साथी, ये हमारे जनपद के लिए गौरव हैं। और भिन्न भिन्न स्टेट में जा कर के अपने स्टेट को, अपने देश और अपने प्रदेश और अपने ज़िले का ध्यान अपने पिता की याद में जिस तरह से आप यहाँ पे आकर के हर वर्ष कार्यक्रम कराते हैं, मैं अपनी तरफ से, हमारे यहाँ कक्कू भैया हैं उनकी तरफ से, हमारे बहन जी हैं उनकी तरफ से, और जनपद के समस्त जो हमारे यहाँ पे इस कार्यक्रम में पधारे हैं, अभी हमारे एडिशनल SP साहब विधिवत रूप से इस संदर्भ में अपनी बात को रख रहे थे, मैं बहुत ही हृदय की गहराइयों से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और ये भाव आपके मन में जागृत हैं और पिता की याद में जिस तरह से आप कार्यक्रम करा रहे हैं, ये छोटी बात नहीं है। मैं हृदय की गहराइयों से अपने डॉक्टर साहब का, अपने भाई का बहुत ही स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। थैंक यू। शिविर में उमाकांत मेमोरियल मेडिकल एवं एजुकेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन डॉक्टर ब्रजेंद्र श्रीवास्तव ने लोगों को डायबिटीज की जानकारी दी, साथ ही बचाव व उपचार तथा उससे होने वाली जटिलताओं के बारे में भी बताया। कार्यक्रम था, क्या पूरा है कार्यक्रम उसका? आज की तारीख में श्री उमाकांत मेमोरियल मेडिकल और एजुकेशन ट्रस्ट की तरफ से, उसकी तरफ से एक वृहत डायबिटीज जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया है, जिसका जो प्रमुख उद्देश्य है वो हमारे मरीजों को ज़्यादा से ज़्यादा डायबिटीज एवं उसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में बताना है, कैसे डायबिटीज आँखों को, कैसे डायबिटीज पैरों को, कैसे डायबिटीज हार्ट को, कैसे हृदय को, कैसे पैरों की धमनियों को, कैसे हमारे ब्रेन को, कैसे नर्व्स को, कैसे प्रेग्नेंट औरतों को, कैसे छोटे बच्चों को ये प्रभावित करती है, इसके बारे में विस्तार से बताने का कार्यक्रम है ये।
और कैसे लोग बच सकते हैं, क्या क्या करें, क्या क्या न करें, किन किन चीज़ों का पालन करें, उसके वजह से उस पर वो लोग बच सकते हैं। हमने इसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला है जो ए से लेकर के और एच तक जाता है या जी तक जाता है। सबसे पहला ए क्या है, अपना HbA1c कंट्रोल करें। बी क्या है, ब्लड प्रेशर कंट्रोल करें। सी से क्या है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करें। डी से क्या है, अपनी डाइट, अपनी दवाइयाँ, ड्रग्स और डिसिप्लिन वाली ज़िंदगी जिएं। ई से क्या है, रेगुलर एक्सरसाइज करें। और एफ बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी डॉक्टर को दिखा रहे हैं फॉलो द डॉक्टर को फॉलो करें। और उसके बाद आया हमारा जी, गुड हैबिट्स, कोई शराब नहीं, सिगरेट नहीं, नशा नहीं, टाइम से सोना, टाइम से जागना, तनाव से मुक्ति, ये सब गुड हैबिट्स में आ गया। एंड एच, हेल्दी लाइफस्टाइल। जितनी भी चीज़ें ऊपर बताई गई हैं इनका जब हम पालन करते हैं तो इसको हेल्दी लाइफस्टाइल कहते हैं या स्वस्थ जीवनचर्या कहते हैं। तो ए से लेकर एच तक का जो भी मंत्र पालन करेगा उसको डायबिटीज से कोई भी जटिलता होने की संभावना बहुत नगण्य होगी। थैंक यू। इस अवसर पर CEO सौरभ श्रीवास्तव, सिस्टर जीवा, शिवेंद्र प्रताप सिंह, विश्ववीर गुप्ता, महेंद्र अग्रवाल आदि उपस्थित थे। खबर आपकी, नजर हमारी, देखते रहिए आई इंडिया।